अफगानिस्तान में अशांति हुई हो, चाहे वो अमेरिका में अशांति चल रही हो, चाहे वो भारत में अशांति चल रही हो, वहां कोई जमीन ने अशांति नहीं करी, वहां कोई अंतरिक्ष ने अशांति नहीं करी, वहां जो आदमी की ये खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी ने ये अशांति कर दी है। अगर यहां अशांति भरी हुई है तो संसार सारा का सारा आपको शांत दिखाई देगा। और जिस दिन आपके यहां शांति आ गई तो ईश्वर से ये प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर बोध आ जाए, वो बोधत्व का गुण आ जाए। ये बोध शब्द बड़ा अद्भुत है, कई लोग इस बोध शब्द का अर्थ ज्ञान कर देते हैं, पर ये स्मरण रखना ज्ञान और बोध में बड़ा अंतर है। देखो स्मरण रखना, उससे पहले ज्ञान तो बहुतों को था कि साहब ये जो लिंग की मूर्ति बनी हुई है, जो पिंड है, ये तो पत्थर का ही है। सबको ज्ञान था, सबको ये जानता था कि ये जीवन के अंदर तस्तरी हम जो रखते हैं, नीचे से आग जलाएं और पानी के अंदर जब भाप बनेगी तो तस्तरी ऊपर को उछलेगी उछलेगी, ये ज्ञान बहुत लोगों को था। माताएं भोजन बनाती थी तो पुरानी माताओं को याद होगा, आज की तरह कुकर नहीं थे, ऊपर से ढक्कन रखा और एक बजन सा कुछ नहीं मिलता था तो उनके पास वो लोड़ा हुआ करता था या कंडा फोड़ने का पत्थर होता था, उसी को उठा करके रख देती थी। इतना ज्ञान तो उनके पास में भी था कि आग जलेगी, पानी उबलेगा, भाप बनेगी और ये पतरा ऊपर उड़ना शुरू होगा। ज्ञान हो जाना पर्याप्त नहीं है, ये बहुतों के पास में ज्ञान था कि शंकर जी की प्रतिमा है, वहां प्रसाद चढ़ाओगे तो चूहे अगर आ गए तो वो खा करके ही मानेंगे। लेकिन जब ये ज्ञान बोध के रूप में परिवर्तित हुआ, जब वो बोध हुआ तो एक मन के अंदर ठान लिया कि दुनिया के अंदर सच्चे ईश्वर को तलाशूंगा। क्या पहले लोगों ने मरते हुए लोगों को नहीं देखा था? कितने लोगों ने मरते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन बहन की मृत्यु के बाद में एक बोध पैदा हुआ कि आखिर ये मौत है क्या चीज? ये आदमी मर जाता है, मरने से पहले बोल रहा है, बहन अभी तो खेल रही थी, क्या हो गया इसको ऐसा जो ये अब बोलना बंद कर दिया, इसने सुनना बंद कर दिया, इसने देखना बंद कर दिया। ये बोध की स्थिति होती है। और जब व्यक्ति के अंदर बोध आता है ना, ऐसे व्यक्ति को कोई निरुत्तर नहीं कर सकता है, ये बोध का ही तो प्रभाव था। एक चौधरी ने कहा, बोले यो दयानंद सबकी टांग खींचता है, इस दयानंद की टांग मैं खींचूंगा। बोले तू कैसे खींचेगा? क्योंकि ये जाट होते हैं ना, जो ये जाट थोड़े से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और पुराने लोग काली करते थे, उनके आप प्रचलन में है। बोले अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी रोमानंद जी, और बहुत बड़े उन्होंने बहुत गुरुकुल नरेला का संचालन किया, गुरुकुल नरेला की स्थापना करी, लेकिन मन के अंदर जाट बहुत था। तो एक चीज वो कहा करते थे कि ये शंकर जी था वो भी जाट था, ये जो हनुमान जी थे बोले वो भी जाट थे। तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, त्रेता में कहां ये जाट लूट हुआ करते थे? बोले ये ऊट पटांग काम ये जाट ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो एक जाट ने कहा कि मैं ऋषि दयानंद को फंसाऊंगा। तो दूसरे ने कहा कैसे फंसाओगे? बोले मैं देखो उसके पास जाता हूं और मैं उससे पूछूंगा, महाराज तुम विद्वान हो या तुम मूर्ख हो? अगर कहेगा कि मैं मूर्ख हूं तो मैं कहूंगा वे तुम्हें कुछ नहीं आता, तो हमको बताने के लिए क्या आए हो? और अगर कहेगा कि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं ये पूछूंगा कि तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें सब कुछ आता है? और उसने कह दिया हाँ आता है, तो मैं कहूंगा मेरी गाय के पूंछ में कितने बाल हैं, तो कौन से बाल उसने गिने होंगे? तो आज तो मैं चुपचाप करके जाऊंगा। लेकिन बोध का जो प्रभाव होता है ना, ज्ञानी और बोधात्मक व्यक्ति में अंतर होता है। वेद ज्ञान मांगने की बात तो बहुत जगह करता है, लेकिन वेद यहाँ कह रहा है एक उत्तम साधक होगा, एक अच्छा साधक होगा, वो ज्ञान से भी ऊपर की बात करेगा, वो बोध की कामना करेगा। और बोध का प्रभाव क्या है? जब पहुंचा ऋषि दयानंद के पास में, बोले महाराज आप ज्ञानी हो या मूर्ख हो? तो उत्तर सुनिए, जितना बड़ा वो प्रश्न लेकर के आया था, ऋषि का बोध भी उतने ही ऊंचे स्तर का था। उन्होंने कहा कि देखो कुछ वस्तुओं में मैं ज्ञानी हूं और कुछ में अज्ञानी हूं। जैसे मैं वेद की विद्या जानता हूं, वेद का कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं ज्ञानी हूं,
दर्शन की कोई बात पूछेगा उसका उत्तर दूंगा, भगवान के बारे में पूछेगा उसके बारे में बताऊंगा। अब तू ये पूछे खेती कैसे करी जाएगी, तो वो तो मैंने नहीं की, तो उसमें मैं अज्ञानी हूं। तो जिनको जानता हूं उसमें ज्ञानी हूं, और जिसको नहीं जानता हूं उसमें अज्ञानी हूं। ये जिसको बोध उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति की दृष्टि फिर इस प्रकार की हो जाती है, वो सारे पदार्थों को सुस्पष्टता से देखता है, अपने कर्तव्यों को, सामने वाले के कर्तव्यों को, अपनी स्थिति को, अपने क्रियाकलापों को, सारी चीजों को सुव्यवस्था से देखता है। स्मरण रखिएगा, ब्राह्मण वो भी है जो यज्ञ करवाता है, ब्राह्मण वो भी है जो दान लेता है, ब्राह्मण वो भी है जो वेद पढ़ाता है, लेकिन बोधात्मक ब्राह्मण कौन होगा? वो केवल एक पक्ष को नहीं देगा। जो सामान्य ब्राह्मण होगा वो कहेगा जी वेद पढ़ाऊंगा तो, लेकिन जब पढ़ने का नंबर आएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहेगा जी दान लूंगा तो, लेकिन जब देने का नंबर आएगा तो मैं नहीं दूंगा। वो ये कहेगा यज्ञ करवाऊंगा तो, लेकिन जब मेरे घर में करने का नंबर आएगा तो फिर मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो बोध से युक्त ब्राह्मण होगा वो कहेगा कि मैं दान लेता हूं तो देने की शक्ति भी अपने अंदर रखता हूं। अगर मेरी ये चाहना है कि मेरा यजमान मुझे 1100 रुपए एक यज्ञ में दे, तो जिस दिन मेरे यहां ब्राह्मण आए तो मैं उनको 2100 देने की शक्ति अपने अंदर रखूं, क्योंकि वेद ने यह निर्देशित कर दिया सत हस्त समाहार। अगर 100 हाथों से कमाने की इच्छा है तो 1000 हाथों से आप देने का मानस अपने मन के अंदर रखना। आप जीवन के अंदर जो कर्तव्य दूसरे के लिए निर्धारित करते हैं वो कर्तव्य अपने जीवन के अंदर निश्चित करने का प्रयास करना, और ये स्मरण रखना दुनिया में दूसरों को कर्तव्य बताना बड़ा सरल होता है। आप दुनिया को बताते रहिए कि जी ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, तुमको ऐसा करना चाहिए, और मैं तो निवेदन किया करता हूं केवल वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस दुनिया में प्रभाव पड़ता है तो क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। और मेरे गुरु जी कहा करते हैं चाहे परिवार में और चाहे समाज के अंदर जो जितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उसके कर्तव्य कर्मों का प्रभाव समाज पर उतना ही पड़ता है। घर का मुखिया अगर कोई उल्टा काम करेगा नीचे वाले ना करें यह संभव नहीं हो सकता है। घर का मुखिया अगर यज्ञ करेगा घर का सदस्य ना करे ऐसा नहीं हो सकता है। समाज के अंदर जो जितने ऊंचे पद पर बैठा है, ऋषि दयानंद से पूछा था महाराज समाज और देश की दुर्गति का कारण क्या है, तो वो दो शब्द कहते हैं कि समाज के अंदर जब तक योग्य अध्यापक और उपदेशक रहे तब तक ये समाज उन्नति को प्राप्त होता रहा, और जब योग्य अध्यापक और उपदेशक समाज के अंदर से होना बंद हो गए इस समाज का नाश होना प्रारंभ हो गया। इसलिए स्मरण रखना अगर हम उपदेशक हैं तो हमारा दायित्व तो ज्यादा बनता है, अगर हम अध्यापक हैं तो हमारा दायित्व तो ज्यादा बनता है, हम किसी के मार्गदर्शक हैं तो हमारे जीवन के कर्तव्य कर्म ज्यादा विशेष होते हैं। कई बार इस परिस्थिति में आपको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, कई बार आपको अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना पड़ेगा, कई बार आपको आत्मबलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे होता है थपेड़े तो उसी को ही खाने पड़ते हैं। इस समाज के अंदर चोट उसी को मिलती है, और इसीलिए स्मरण रखिए कभी अगर आपने बाज पक्षी को देखा हो जब वो आकाश के अंदर उड़ता है ना, तो जो उसका उड़ने का तरीका होता है वो इस आकार में जो बी अक्षर होता है ना अंग्रेजी का, उस बी अक्षर को आप उल्टा कर दीजिए और बी अक्षर के आकार में वो उड़ते हैं, और उड़ने में कभी आप उनको ध्यान से देखना तो होता क्या है कि वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, जो पहले आगे है फिर वो धीरे से पीछे आ जाता है, फिर अगले को आगे कर देते हैं। कारण क्या है, एक ही अगर थपेड़े खाता रहेगा, एक ही आगे आगे रहेगा तो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बारी बारी से सब आगे पीछे होते रहते हैं। समाज के अंदर ये ध्यान रखना कि एक व्यक्ति बहुत योग्य है तो बिल्कुल उसको निचोड़ मत लेना लेकर के कि सारे कहा भैया तू भी यही कर ले, तू भी यही कर ले। आप जिस योग्य हैं ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे मंच का संचालन ही कर ले,
ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे अवली करा ले, ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे दरी बिछा ले। तो जो जिस योग्य है उसको उस योग्य काम करना चाहिए। और ये स्मरण रखना, जो एक दरी बिछाने वाला है वेद के प्रचार में उसका भी योगदान है।